शासन 1.0 में से पूर्व शिक्षा बिल्कुल चौपट हो चुकी थी पिछले शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में उसको पटरी पर लाया गया। और आज की स्थिति में जहां शिक्षा गुणवत्ता की ओर आगे बढ़ी है, वहीं पर उसका व्यापक इतना उसे व्यापक किया गया है कि जनता के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी अच्छी शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए 3 विश्वविद्यालय सरकारी बन रहे हैं, आजमगढ़, अलीगढ़ और सहारनपुर। इसी तरह 10 नए विश्वविद्यालय अनुमति दी गई है, निजी विश्वविद्यालय बनेंगे जो कि शिक्षा में प्रतिस्पर्धा तो लाएंगे ही और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम जनमानस को और आम छात्र को मिल सकेगी। विदेश के जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वह भी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति मांग रही थी, लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप यहाँ के विश्वविद्यालयों से MOU करें और जो आपके जिस डिपार्टमेंट्स को वो अनुमति देना चाहेंगे वो आपके डिपार्टमेंट्स को यहाँ बुला लेंगे, जिससे कि यहाँ के छात्रों को वो सुविधा मिल सके अध्ययन की और पढ़ाई की जो विदेशों में प्राप्त होती है। इसी तरीके से गुणवत्ता बढ़ी है माननीय योगी जी के शासनकाल में, और पहले एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का ए कैटेगरी का भी नहीं था, ए रैंक भी स्थापित नहीं थी नैक की रैंकिंग में। लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय दो A++ हो चुके हैं और लगभग 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो नैक रैंकिंग के उस दरवाजे पे खड़े हैं जिसमें कम से कम A+ या A++ प्राप्त करेंगे। तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा का जो विकास हुआ है और गुणवत्ता का भी हुआ है, वहीं दूसरी ओर उसका जनता तक पहुंचे इसके लिए संख्यात्मक विकास भी हुआ है। पिछले 5 माह से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं पेपर लीक करने वाले जो शिक्षा माफिया थे बरसों पहले से उनका एक रैकेट था, वो पेपर लीक करता था, उस रैकेट को भी माननीय योगी जी की सरकार में तोड़ा गया और वो टूटा है। ऐसी नकल विहीन परीक्षाओं के लिए डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके नकल विहीन परीक्षा भी कराई गई है, वरना एक समय था इस प्रदेश का कि नकल कराने के अधिकार पर भी राजनीतिक दल वोट मांगा करते थे। आज नकल रोकने के प्रयास किए जाते हैं, अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा और भविष्य में उनको गुणवत्ता बनी रहे छात्रों की वह दी जा रही है।